हेलो गाइज एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइज अली बिलाल अगेन आई एफ बी बी प्रो बन चुके हैं न्यूयॉर्क प्रो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मैंस का टाइटल जीतकर लगातार अली ने कुछ ही दिनों के अंदर ये दूसरा टाइटल अपने नाम कर लिया है मैंस फिजिक की बहुत ही एक्सट्रीमली डीप लाइनअप थी कंटेंडर्स की और ये सब ओलंपिया में कम्पीट कर चुके हैं ऑलरेडी अली बिलाल एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुके हैं इस टाइम इस डिवीजन के और ये मोमेंटम अली को मिला पिट्सबर्ग प्रो 2024 जीतने के बाद अली की शेडिड मिड सेक्शन इनकी कंडीशनिंग इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन चुकी है जो इन्हें इस लेवल तक लेकर आई है इनका और विक्टर शेव्स का बहुत ही टफ कंपटीशन रहा विक्टर शेव्स स्टेज के सेंटर में बैटल कर रहे थे कंपटीशन में इनकी फ़िज़ीक भी बहुत अच्छी थी कैप्ड शोल्डर्स और इम्प्रेसिव बैक थिकनेस देखने को मिली ऑन स्टेज बट अली बिलाल की कंडीशनिंग को विटर शेव्स बीट नहीं कर पाए और इनकी सेकंड प्लेसिंग रही और इसके साथ एडवन पेलमेरा थर्ड प्लेसिंग पर रहे टॉप फाइव की बात करें तो ऑब्वियसली विनर रहे अली बिलाल सेकंड प्लेसिंग रही विटर शेव्स की थर्ड प्लेसिंग एडवन पेलमेरा की फोर्थ प्लेसिंग एंड्री फैग्यूसन की एंड फिफ्थ प्लेसिंग पर रहे फैबियन फेबर मैंस फिजिक प्री जजिंग की बात करें तो हर कंपिटीटर को थर्टी सेकेंड्स फिजिक डिस्प्ले करने का मौका मिला और हेड जज टाइलर मैनियन ने कॉल आउट्स डायरेक्ट किए इसके बाद विक्टर शेव्स और अली बिलाल दोनों ही फर्स्ट कॉल आउट के फोकस थे और टाइटल के कंटेंडर दिख रहे थे अली और विक्टर का फाइनल कॉल आउट हुआ फॉर द टॉप स्पॉट इन द शो फर्स्ट कॉल आउट में फेबरिन फेबर एंड्री फेरग्यूसन विक्टर शेव्स अली बिलाल एडविन पेलमिरा और विनीशियस मैट्यूज देखने को मिले और फाइनल कॉल आउट्स में अली बिलाल और विक्टर शेव्स ही देखने को मिले लाइक द एग्जिस्टिंग शो पिट्सबर्ग प्रो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर गाइज निक वॉकर ने जीत लिया है न्यूयॉर्क प्रो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का टाइटल मैन ओपन डिवीजन में बहुत से लोगों ने ऐसा क्लोज कम्पिटिशन एक्सपेक्ट नहीं किया था निक वॉकर और मार्टिन फिट्स वाटर के बीच पी जजिंग में ऐसे लग रहा था कि ये बॉडी बिल्डर्स क्लोज हैं स्टिल निक वॉकर इस शो को जीत रहे थे बट ये सिंगल पॉइंट से ही जीत सके हैं जिसका मतलब है कि सिर्फ एक जज ने डिसाइड किया कि कौन जीतेगा इस शो को ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जजेस का ऐसा मानना था कि मार्टिन फिट्स वाटर को ये शो जीतना चाहिए और निक सेकेंड होने चाहिए बहुत से लोगों को ऐसे लगेगा कि ऐसा नहीं है मार्टिन काफ़ी क्लोज नहीं थे बट मार्टिन काफ़ी क्लोज थे एज पर द जजेज आल्सो मार्टिन और निक में इतना क्लोज कंपटीशन कैसे देखने को मिला चलिए जानते हैं इसके बारे में निक वॉकर टॉप ही ओलंपियन है सो तो अगर मार्टिन निक वॉकर के बेस्ट वर्जन के इतने क्लोज थे तो डेफिनेटली मार्टिन फिट्स वाटर भी हमें इस ईयर ओलंपिया में टॉप प्लेसिंग्स पर दिख सकते हैं इस शो में निक वॉकर बहुत ही इंप्रूव थे द साइज द डिटेल्स द कंडीशनिंग और मिड सेक्शन भी इनकी कंट्रोल थी मैक्सिमम थिंग्स निक वॉकर की बेस्ट थी इस शो में और ये फिजिक इनकी ट्वेंटी ट्वेंटी ओलंपिया से भी बेहतर थी बेटर कंडीशनिंग और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट थी इनकी फिजीक में बैक पोजेस भी काफ़ी अच्छे थे और इस शो में हमें वन ऑफ़ द बेस्ट वर्जन ऑफ निक वॉकर दिखा मार्टिन फिट्स वाटर भी अपनी फिजीक के टॉप लेवल पर थे और इस न्यूयॉर्क प्रो शो में भी मार्टिन डिट्रॉड पो की कंडीशन की तरह देखने को मिले ओवरऑल बेस्ट मार्टिन थे इस शो में हमें जो देखने को मिले मार्टिन की लेग्स निक से अच्छी थी और इनका वेस्ट साइज़ भी कम था निक के कंपैरिजन में और ये ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके कारण कुछ जजेज़ मार्टिन को निक वॉकर से ऊपर प्लेस कर रहे थे इस शो में ऐप्स पोज में देखें तो ये दोनों ऐप्स में काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं बट मार्टिन की वेस्ट थिकनेस में कम है और मार्टिन की लेग्स टू वेस्ट रेशो भी बेटर दिख रही है इस एप्स पोज में साइड ट्राइसेप पोज में निक काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं थिकर हैं और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं दोनों के कंपैरिजन में मोस्ट मस्कुलर पोज में भी मार्टिन बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं सो काफ़ी क्लोज दिख रहे हैं ये दोनों बॉडी बिल्डर्स अपने कंपैरिजन में बैक पोजेज़ की बात करें तो बैक पोजेज़ में निक बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अपर बैक इनकी डेवलप्ड दिख रही है लेकिन मार्टिन के कम्पेरिजन में अगर देखा जाए तो अपर बैक में मार्टिन भी काफ़ी ज़्यादा थ्री लुक में दिख रहे हैं मार्टिन का बैक थोड़ा पॉप अप कर रहा है थोड़ी बाहर की तरफ जैसे कि फ़िल हित की बैक देखने को मिलती थी बट लेग्स में निक काफ़ी अच्छे हैं निक का हैम्स का साइज़ काफ़ी अच्छा है उस पर स्ट्राइशनस भी देखने को मिल रही हैं बट यहाँ पे अगर मार्टिन फिट्स वाटर के हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स की डिटेल्स को देखा जाए तो कुछ हद तक ये निक के कंपैरिजन में अच्छी दिख रही हैं शेप बहुत ही क्रेजी है इनके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स की तो आपको क्या लगता है कि इस पोज में कौन विनर है आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें प्रोपोशनस की बात की जाए स्केल्टन स्ट्रक्चर की सिमिट्री की बात की जाए तो मार्टिन फिट्स वाटर कुछ शॉट्स में निक को मैच कर रहे थे और उनसे बेहतर भी दिख रहे थे बट मसल मास के मामले में निक वॉकर काफ़ी अच्छे थे और इस बार कंडीशनिंग भी बहुत ही अच्छे लेकर आए थे बैक लेट्स पैड में भी निक बिगर हैं और काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं साइड शॉट्स में तो निक बहुत ही अच्छे हैं और बिगर हैं और क्लियर विनर दिख रहे हैं फ्राम एवरी साइड पोज सो इसी मसल मास और कंडीशनिंग की वजह से निक वॉकर इस शो को जीत पाए हैं और क्वालीफाई कर चुके हैं ओलंपिया ट्वेंटी के लिए निक ने सेकेंड टाइटल अपना न्यूयॉर्क प्रो का जीता है इस बार इस लाइनअप में फर्स्ट प्लेसिंग पर रहे निक वॉकर सेकंड प्लेसिंग पर रहे मार्टिन फिट्स वॉटर थर्ड प्लेसिंग पर है टोनियो बटन जो कि लास्ट ईयर के न्यूयॉर्क प्रो 2023 के विनर रहे हैं फोर्थ प्लेसिंग पर है स्टोर्ट सदरलैंड स्टोवर्ट भी बहुत ही अच्छे दिख रहे थे अमेजिंग दिख रहे थे इस शो में एंड फिफ्थ प्लेसिंग पर है क्रिस्टियन वॉल्स की सो गाइज ये थी कुछ रिसेंट अपडेट अबाउट न्यूयॉर्क प्रो ट्वेंटी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़